बिल्कुल आएंगे, और जितने भी हमारे कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हैं सभी लोग हमारे प्रचार में आएंगे, क्योंकि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय अखिलेश सिंह जी, वो भी प्रचार में आएंगे, और हमारे जो राष्ट्रीय जो रंजिता रंजन है बहुत अच्छी है, और हम लोग से बहुत अच्छा संबंध भी है, और पार्टी से हट करके मेरे प्रचार में रंजिता रंजन जो है पूर्णिया आएंगे। और देखिए, पार्टी अलग है, रिश्ता अलग है, तो महागठबंधन को निभाते हुए हमारे जो है कि समर्थन में रंजिता रंजन प्रचार में जो है कि आई। बहुत अच्छा है कि मेरे साथ एक महिला को एक उम्मीदवार बनाया है, और उसमें हमारे जो रंजिता रंजन है जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है और वो आ रहे हैं, राज्यसभा के सांसद भी है, तो मेरे लिए बहुत गौरव महसूस कर रहा है कि हमारे देखिए वो जो है कि निर्दलीय प्रत्याशी है, हम महागठबंधन से प्रत्याशी है, इसलिए हमारे बहन जो है रंजिता रंजन और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, राज्यसभा का सांसद भी हैं, तो इसलिए हमारे जो रंजिता रंजन है बहुत अच्छी नेत्री है, वो पार्टी के लिए काम करती है, पार्टी के हित के लिए काम करती है, पार्टी के लिए सोचती है, इसलिए वो भी चाहेंगे कि महागठबंधन के जो उम्मीदवार को जिताने के लिए उड़ी चोटी लगाएंगे और महागठबंधन को हाथ को मजबूत करने का काम करेगी। कोई मिला है इसमें तो जानबूझ के जो है कि साजिश के तहत हमको लगता है कि बीजेपी का जो एजेंट बन करके काम कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं महागठबंधन को हराने के लिए जिस तरह से इस तरह का साजिश रचने का काम किया है, यह तो सौभाग्य नहीं है, अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह से हमारे जो है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है और ये पूर्णिया जिला में महागठबंधन को डैमेज करने के लिए वह जो है बीजेपी का एजेंट के बन करके पूर्णिया में काम करने का जो है कि वह हराने के लिए आया है। आज अजीत सरकार के समर्थक स्थल पर कई एनडीए के नेता भी पहुंचे, क्या कहेंगे जो 26 साल पहले की घटना हुई? जरूर जरूर, वो जो है कि गरीब के मसीहा थे अजीत सरकार जी, और पूर्णिया जिला के लिए जो काम किए हैं, एक एक बच्चा एक एक व्यक्ति उससे जो है कि सभी प्रभावित हैं, और सभी को खलता है इस बात का जो हमारे बीच नहीं है अभी, लेकिन गरीब का मसीहा था, आज जो हत्या जो किया है वह जो पप्पू यादव है, बहुत सारे लोग हैं जो उसमें शामिल थे, जो सभी लोग जानते हैं कि कौन सा हत्यारा है, गरीब का जो आवाज बन के जो पूर्णिया में काम कर रहे थे जी सरकार जी, उसका हत्या करने में किसका हाथ है, या पप्पू यादव का हाथ है, सभी लोग जानते हैं। पूर्णिया के जनता से हम यही अपील करेंगे कि सभी लोग सजग हो जाइए, और जिस तरह से यह पूर्णिया में जो आतंक फैलाने का काम करते हैं, एक जो है कि भाईचारा लड़ाने का काम करते हैं, सभी को जो है कि जितने भी हमारे व्यवसायी है पूर्णिया में सभी उनसे परेशान है, सबसे आप जाकर के पूछ सकते हैं कि कितने वह परेशान किए हैं, हमको खुद फोन करके कहते हैं, कई डॉक्टर है कई व्यवसायी है जो कि उनसे परेशान है, तो इस तरह से राजनीति नहीं होती है। मेरा जो है छवि जो है कि 2020 से लगातार हम पूर्णिया का सेवा करने का काम किया, कोई भी नहीं कह सकता है कि बीमा भारती किसी से भी धमकी दिया है, किसी को कुछ कहा है, मेरा ऐसा नियत नहीं रहता है, हमारा नियत एक ही रहता है, मेरा लक्ष्य कि विकास हो, मेरा जो पूर्णिया जनता का जो स्नेह प्यार मिलेगा तो मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि विकास, जैसे नगर निगम का है समस्या, हमने पूर्णिया में घूमे हैं, सभी लोग नगर निगम के बारे में बताने का काम किया कि नगर में काम नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसा है कि काम नहीं हुआ है, उसको हम आवाज बन करके उठाने का काम करेंगे,